हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट करना सीखेंगे। जैसा कि आप किसी भी शॉप पे जाते हो, वहाँ पे आपको एक बिल दिया जाता है। जो भी आप प्रोडक्ट वहाँ से परचेज करते हो, उनके अनुसार जितना उस पर अमाउंट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है और उस पर GST कितना लगाया गया है या उस पर डिस्काउंट कितना किया गया है, ये सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना सीखेंगे। और उसको कैसे बनाया जाता है, उस सारी चीज़ों को हम इस पर सीखने वाले हैं। तो ये हम एक्सेल को यहाँ से ओपन करते हैं। एक हमने फॉर्मेट बनाया, आपको यहाँ पे दिखाते हैं ये सारी चीज़ें कैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये हमने क्या किया है, एक आपको प्रीव्यू करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक हमने एक इनवॉइस तैयार किया। इस तरह आप भी एक इनवॉइस तैयार करेंगे और इसमें सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट हो रही हैं वो आपको हम दिखाते हैं। तो इसको हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू से वापस आते हैं और यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी प्रोडक्ट का नाम दे दिया। जैसे हमने मान लीजिए लाइकली कीबोर्ड रख दिया, कीबोर्ड। और जैसे हम टाइप करेंगे, यहाँ पे देखिए जो सीरियल नंबर था वो ऑटोमेटिक आ गया। फिर यहाँ पे रेट हमने रखा 2, रेट इसका हम रख देते हैं 150 का, ठीक है, 150। और क्वांटिटी हम इसकी दे देते हैं 3 क्वांटिटी रख देते हैं और यहाँ से इंटर करते हैं। ये देखिए, अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। इस तरह जितनी आपके पास क्वांटिटी है उसको टाइप कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है टोटल अमाउंट उसका 450 आया है। और अगर यहाँ पर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए और उसके अनुसार यहाँ पर डिस्काउंट। और अगर GST आपकी जितने मान लीजिए 9% इस पर GST लग रही है और 9% इस पर भी लग रही थी, इस तरह ये देखो पूरा ऑटोमेटिक एक काम कर रहा है। तो ये सीखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो में बने रहो। और चलिए आगे, यहाँ पे आपको इस सारी फॉर्मेटिंग को सिखाते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो आपके लिए जनरेट यानी बना रहे हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले आपके पास हो नोटिफिकेशन पहुँचना चाहिए। तो प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब इस फॉर्मेटिंग की तय देखते हैं किस तरह तैयार किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप एक न्यू शीट लेते हैं। न्यू शीट लेने के बाद हम क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें रखेंगे जो इस इनवॉइस में है। तो इनवॉइस को मान लीजिए हम यहाँ पे ऊपर आते हैं और इसका जो सेम चीज़ें हैं इन सबको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ताकि आपको डायरेक्टली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। हमने क्या किया, यहाँ तक कॉपी कर लिया, Ctrl+C किया और यहाँ पर इस शीट 1 पे आए। आप टाइप कर लेना जिस भी हिसाब से आपका डेटा है। तो यहाँ पे हम Ctrl+V क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू में इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह ये हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए ये सारी चीज़ें इस तरह, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। जूम इस तरह टाइप है, पूरा हो गया जैसे हमने वहाँ पर टाइप किया था, सेम यही प्रोसेस आप यहाँ पर कर लीजिए। अब इसको देखिए, यहाँ पर हमारे जो कॉलम है यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं दिखा रहा है, सही से नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, इसके कॉलम की क्या करो, बीच को यहाँ से बड़ी कर लो। जैसे हमने इसकी बीच को यहाँ रख लिया, ये इसका रेट यहाँ पे रख लिया, क्वांटिटी के लिए हमने इतना बढ़ा लिया और अमाउंट के लिए हमने ये दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो उसकी डिटेल्स है उसको आप हटा दीजिए, ये भी उसकी डिटेल्स है, उस बिल की डिटेल्स है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं एक एक करके। आप सेलेक्ट करके पूरा भी एक साथ कर सकते हैं, जो भी आपको हटाना है। तो इस तरह आप क्या करिए, टाइप कर लीजिए। यहाँ पे हम मान लीजिए इसको अमाउंट, अमाउंट और यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी रेट रख देते हैं और यहाँ पे पार्टिकुलर्स, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आइटम नेम भी दे सकते हो, पार्टिकुलर्स कर देते हैं जितने भी आइटम हमारे हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर, ऐसे ही एकदम प्रॉपर वे में रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इन सारे को देखो इस तरह सेंटर में लिया गया है। तो सेंटर में आप कैसे लोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी हमारा कॉलम है, यहाँ तक हमारा कॉलम है,
और उन सबको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। फिर यही सेम प्रोसेस इस सेल के साथ भी करेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, सेम चीज़ें इसके साथ भी और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। अब इनवाइस है यहाँ पे, अब इन सबको एक फॉर्मेटिंग दे दीजिए, कोई सिंपल सी फॉर्मेटिंग यहाँ से लगा देते हैं। मान लीजिए हमें क्या लाइकली इस तरह यूज करना है, हमने ये फॉर्मेटिंग लगा दिया और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं ताकि ये दिखे। इसको हमने साइज थोड़ी बड़ी कर ली और यहाँ से बोल्ड भी दे दिया। और ये है इसकी साइज थोड़ा सही है, इतने पर रखते हैं, ये भी ठीक है। और यहाँ पे इनवाइस है इस प्रकार है, इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर दो, ये बोल्ड हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप दोनों सेलों को मर्ज कर लो, नहीं इसको भी हम बीच में सेंटर में रखेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और इसका कलर थोड़ा सा अलग रखते हैं, इफेक्टिव जो भी हमें सही लगे, आपको जो भी कलर सही लगे उसके अनुसार यहाँ पे आप कलर को चूज कर लेना, यही रखते हैं। और इसकी साइज को थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं यहाँ से, ये रखें या हल्का एक नंबर इतने पे, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे बिल नंबर, बिल नंबर तो प्रॉपरली ठीक है, इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं और बोल्ड कर देते हैं। और एक साइज थोड़ा सा 11 है, 12 कर लेते हैं, 12 साइज में रख दें। और सेम प्रोसेस इस बिल के साथ भी करेंगे, इसको हम मर्ज एक क्रॉस कर देते हैं क्योंकि ये पूरा एक यहाँ पे सेल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे मर्ज एक क्रॉस कर दिए। और यहाँ पे डेट के लिए भी यहाँ पे बोल्ड ही रखते हैं और एक यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ये सारी फॉर्मेटिंग आप कर लेंगे। और इसके लिए हम एक साइज इसको भी बड़ी कर देते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। और इन सब के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइज को बड़ा करते हैं, बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे हमने साइज को बढ़ा लिया। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे नेम के लिए आप पूरा भी रख सकते हो कि नेम अगर इतना बड़ा है तो आप मर्ज एंड एक क्रॉस कर लो इन तीनों को, यहाँ पे क्या करते हैं मर्ज एक क्रॉस इस तरह। देखिए अब इतना ये प्रॉपर वे में आपका क्या हुआ, रेडी हो चुका है। अब यही चीज़ मान लीजिए यहाँ पे इसके लिए भी हम यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग दे देते हैं ताकि ये भी प्रॉपर हमें अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम एक दूसरी कोई फॉर्मेटिंग जो हाईलाइट लगे, हमने क्या किया इस कलर में रख लिया और इसकी क्या करते हैं बोल्ड कर देते हैं, इसको हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया और एक साइज इसको भी बढ़ा देते हैं, ये प्रॉपर लग रहा है। और यहाँ पे हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे आउटसाइड बॉर्डर, और इतना ये प्रॉपर आप F2 करके देख सकते हैं, कंट्रोल F2, ये आपको प्रीव्यू दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉलम की साइज है काफ़ी यहाँ पे अभी बची हुई है, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से स्किप करके वापस आते हैं और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, हम कॉलम को थोड़ा अमाउंट वाला और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया। क्वांटिटी के लिए हल्का सा और बड़ा रख लिए, और यहाँ पे रेट के लिए और ये इसके लिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक। तो एहसान नंबर ए रख लिए, और कुछ चीज़ें अगर आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए ताकि ये प्रॉपर दिखे। अब देखिए कंट्रोल F2 करते हैं, अभी आपका डेटा प्रॉपर वे में दिख रहा है, कुछ भी थोड़ा सा एडजस्ट और करना है तो आप कर सकते हो, अमाउंट के लिए और उधर कर दीजिए, आप डेटा इधर रख सकते हो, जैसे भी आपको रखना है। इसके फिर करके आते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं यहाँ से, इसकी साइज जो है और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल F2 करें, अब देखिए डेटा पूरा प्रॉपर दिख रहा है अब हमारा। तो इस तरह ये आप सेटिंग कर लोगे। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, अब यहाँ पे जो हमारा काम कर रहा था ऑटोमेटिक, कुछ चीज़ें काम कर रही थी, उसको हम कैसे देखेंगे किस प्रकार वो काम कर रहा था। तो यहाँ पे आप क्या करिए, उसको
यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो रहा था कि यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ रहा था। मान लीजिए जहाँ तक हमें देना है हम इसको बॉल ड्रिंक कर लेते हैं, यहाँ से रखते हैं इतना। मान लीजिए हमें इस पे आइटम देना है तो हम आउटसाइड बॉर्डर रख लिए, और सेम वही प्रोसेस इसके साथ भी करते हैं, आउटसाइड बॉर्डर और यहाँ आउटसाइड बॉर्डर। ये फॉर्मेटिंग वैसे बेसिक तो आती ही होगी, अगर जिसको नहीं आता वो भी सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। और आप बहुत अच्छे से क्रिएटिव कर सकते हो, दिखा सकते हो किस तरह ये बनता है, और आप जब काम करोगे तो बहुत बेहतरीन अच्छे से आपका प्रॉपर काम होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इतना रख दिया, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम आइटम नेम दें वो क्या करें, कैलकुलेट ऑटोमेटिक होना चाहिए। पहले यहाँ पे और भी चीज़ें रख लेते हैं, इस सीट में क्या था और यहाँ पे देखते हैं, आके नीचे आइए, ये सब था। फिर नीचे यहाँ पे क्या है, टोटल अमाउंट है और ये सारी चीज़ें। इसको हमने क्या किया, कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पे आके वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट में वैल्यू। ठीक, ये सारी चीज़ें हो चुका है, ये वैल्यू में भी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, जो भी यहाँ पे लगाया गया है उन सबको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अभी इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसकी भी फॉर्मेटिंग सेम रख लेते हैं जैसे वहाँ पे हमने किया है। इसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया और इसको बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे इसके लिए रख लिए हैं। और इन सबको हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं, चारों तरफ यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर, और इस पे भी वही सेम चीज़ें रखो। तो पूरा हो गया। अब यहाँ से इसका बॉर्डर हम एक कर देते हैं, इसको हम एक बना देते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज एक क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पे ये हो गया। ग्रैंड टोटल के लिए भी सेम चीज़ें, यहाँ से मर्ज एक क्रॉस। और इसको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम डेटा जो भी जितना परसेंट हमें जो चीज़ें रखनी है, जैसे GST कितना परसेंट देना है, उसके लिए हमें इसको ऐसे ब्लैंक, मतलब इसको मर्ज नहीं किया है। और यहाँ पे ये आप सिग्नेचर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, सिग्नेचर के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए, नीचे हमने सिग्नेचर के लिए भी रखा था ऑथराइज्ड सिग्नेट्री, तो आप यहाँ से इसको भी रख लीजिए। इसी को हमने कॉपी कर लिया और डायरेक्टली यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी कर दिए, प्रॉपरली आ गया। और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं, इसको सेलेक्ट करो और टॉप पे बॉर्डर लगा दो ऑन टॉप। ठीक, तो इस तरह ये क्या होगा, अब देखो इसको कंट्रोल F2 करके, ये देखिए आपका जो इनवॉइस था प्रॉपर तैयार हो चुका है। आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, देखिए इस तरह पूरा प्रॉपरली तैयार हो चुका है, जैसा हमने इसको यहाँ पे क्रिएट किया था। आप और भी अगर इसमें रखना चाहते हैं, जैसे प्रोडक्ट की अगर आप लग रहा है कि थोड़ा कम है, आप क्या करिए उसको यहाँ तक, जैसे ये डेटा है इसको क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, यहाँ तक, और इसको यहाँ से उठा के नीचे लाइए, मूव करा लीजिए। ठीक, और यहाँ से क्या करिए, रिमांड मर्ज सेल रहने देते हैं, मर्ज जो भी है उसको भी हटा देगा, वैसे हमारा प्रॉपर हो गया, आप कर लेना जो भी करना होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही हैं वो कैसे काम कर रही हैं। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ रहा था, उसके लिए हमने एक फार्मूला लगाया था इक्वल इफ़, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेना।
अब लॉजिक टेस्ट पूछ रहा है, तो लॉजिक टेस्ट में हमने दिया था कि दिस सेल नॉट इक्वल, इस तरह नॉट इक्वल के लिए हमें लगाएंगे, नॉट इक्वल किसके हो, ब्लैंक के, डबल इनवर्टेड कॉमा हमने दिया। और यहाँ पे फिर हमने क्या किया, कॉमा करके, अगर ये ऐसा है ना, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेल का नेम, जैसे भी यहाँ पे है, आप क्या करिए यहाँ पे रो डालिए, क्योंकि अब हमें रो को ही काउंट करना है, हमने रो फार्मूला यूज किया। और यहाँ पे रेफरेंस में हमने क्या दिया, A1 रखेंगे, और यहाँ से इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और फिर कॉमा देंगे, और यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा हम ब्लैंक के लिए छोड़ देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, ब्लैंक कर दें, और इसको ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे इंटर कर देते हैं। जैसे आप इंटर करोगे, और वही फार्मूला क्या करना है, सब पे अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम जहाँ तक हमारा डेटा है वहाँ तक हम इसको ड्रैग कर देते हैं। तो हमारा डेटा यहाँ तक है, क्योंकि इसी में हमारा ये सीरियल नंबर आना है, तो हमने उसको क्या किया, ड्रैग कर लिया पूरा। अब यहाँ पे देखिए, जो भी अब आप कोई प्रोडक्ट नेम देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड इंटर किया, देखो ऑटोमेटिक आ रहा है। अब यहाँ पे रेट देते हैं, मान लीजिए अगर हम कोई रेट रख रहे हैं, मान लीजिए एक ही यहाँ पे 100 रुपये रेट रख रहे हैं एक कीबोर्ड का, टाइप करते हैं, क्वांटिटी मान लीजिए हमने 2 रखा, और अब यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए। इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएं, इक्वल करोगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, जैसे रेट को सेलेक्ट किया, और यहाँ से मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, शिफ्ट के साथ एड को प्रेस कर लेना, फिर यहाँ पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारा अमाउंट आ जाएगा। अब इसको क्या करिए, आप पूरे पे ड्रैग कर लीजिए, कि यही प्रोसेस हर सेल पे होना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ तक उसको ड्रैग कर लीजिए। अब यहाँ पे अभी 0 आ रहा है, अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम अल्ट इक्वल शॉर्ट बता रहे हैं, जो भी आप शॉर्ट तरीके से अगर कोई शॉर्ट की यूज करके सम करना चाहते हैं, तो अल्ट इक्वल प्रेस कर देना, और यहाँ पे डायरेक्टली टोटल आ जाएगा उसका। तो यहाँ पे देखिए टोटल पूरा आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, अगर मान लीजिए कोई हम इस पे डिस्काउंट रख रहे हैं, तो पहले हम डिस्काउंट के लिए यहाँ पे इस जो ये क्या है, यहाँ पे पहले आओ, तेरा, इन सबको हम किस में रखेंगे, परसेंटेज में। यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में आप क्या करिए, परसेंटेज को सेलेक्ट कर लीजिए। ये 3 सेल को हमने परसेंटेज में रख दिया। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है, कि अब यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जो भी डिस्काउंट रहे, ये यहाँ पे आना चाहिए। इसके लिए आप फार्मूला लगाओ इक्वल, इसको डिवाइड करो, ठीक है, यहाँ पे मल्टी, यानी इस सेल को सेलेक्ट करो जो टोटल अमाउंट है। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, और किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसका होना चाहिए, और ये अमाउंट मल्टीप्लाई होके क्या करें, माइनस करें, ठीक है, माइनस किस में करें, इसका मल्टीप्लाई हो जाए, फिर माइनस क्या हो जाए, अभी दिखाते हैं। पहले यहाँ पे इतना रख लेते हैं, ये सेल हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 1% डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ पे टाइप करिए 2 रुपये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 200 अमाउंट है। और अगर GST मान लीजिए, GST के लिए सेम प्रोसेस आप रखिए, यहाँ पे इक्वल करते हैं, और फिर वही सेम प्रोसेसिंग इसको, ठीक है, और मल्टीप्लाई आप परसेंटेज ज़रूर यहाँ पे लगा देंगे, जो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, जो अभी इसको हमने क्या किया, परसेंटेज फॉर्मेट में रखा है। तो आप इन तीनों सेल को परसेंटेज फॉर्मेट में ज़रूर रखेंगे, तभी जाके आंसर यहाँ पे आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, नहीं तो अगर आप परसेंटेज में नहीं रखते हो, तो यहाँ पे आपको 100 से डिवाइड, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगाना पड़ता। तो इसलिए हमने इसको सबसे पहले क्या किया है, परसेंटेज में ही कन्वर्ट कर लिया है। तो इस सेल को पहले आप क्या करो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, तभी जाके सही यहाँ पे आंसर आएगा।
अब यहाँ पे जीएसटी के लिए हमने सेम वही प्रोसेस अपनाया, जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई दिया और यहाँ से इसको भी हमने कर दिया इस तरह। और सेम वही चीज़ इस पे भी चाहिए था, हमने इसको फिर से सेलेक्ट किया और यहाँ से मल्टीप्लाई का सिंबल और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो पूरा इस तरह हमारा आ गया, ठीक है। कि अगर मान लीजिए इस पे हमने 9% का जीएसटी लगाया तो 18 रुपये आया, और भी इस पे 9% का रखा तो 18 18। अब यहाँ पे हमारा ग्रैंड टोटल होके आना चाहिए क्या अमाउंट बन रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल करेंगे। इतनी सेलों का हमें जोड़ना है, हमने क्या किया इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, कॉमा कर दिया। सम का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं आप, हम सम का ही यूज करते हैं। सम टाइप कर दिए, इस तरह आया। नंबर हमारा ए है, इसको जोड़ना है, कॉमा दिए। ये देखो डिस्काउंट वाला नहीं जोड़ना है, इसको तो घटाना है इसलिए हमने उसको अभी बाद में रखा है। फिर हमने इसको भी जोड़ना है, हमने कॉमा किया। और ये जीएसटी भी इंक्लूड करानी है, इसके लिए भी हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस दे देते हैं। माइनस क्या करें, जो ये डिस्काउंट हम दिए हैं वो इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें और इंटर कर दिए। ये देखिए टोटल अमाउंट हमारा आ गया और 2 रुपये उसको डिस्काउंट में दिया गया। तो इस तरह ये प्रॉपरली काम कर रहा। यहाँ पे आप आइए, इसको क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड हो गया, थोड़ा सा साइज बड़ी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको डॉलर ए करेंसी फॉर्मेट में रख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और अकाउंटिंग फॉर्मेट में इसको क्या कर लेते हैं, सिंबल में रुपए का दे देते हैं। इसको आप नीचे करके आइए, यहाँ पे आपको अभी मिलेगा रुपए का। ये देखिए इंग्लिश इंडिया ले लेते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ से ओके। अभी क्या हो गया, रुपए में इस तरह आपका वो दिखाएगा जो भी आप यहाँ पे रखोगे। अब देखिए ऑटोमेटिक काम करेगा। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ा ली, जैसे यहाँ पे हमने रखा, माउस ले लिया और यहाँ से जैसे टाइप करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 हो गया। और क्वांटिटी माउस की क्या, मान लीजिए इसका जो रेट है वो 50 रुपये है और क्वांटिटी हमने 3 लिया और यहाँ पे अमाउंट देखो ऑटोमेटिक 150 आ गया। आप नीचे देखिए और जो जो आपने लगाया जितना परसेंट जीएसटी उसके अनुसार ही कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे क्या है कि 0 आपको शो कर रहा है, ये तो नहीं शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं फाइल में। फाइल में आप यहाँ पे ऑप्शन पे आना, ऑप्शन में यहाँ पे आप एडवांस में आना, ठीक है। एडवांस में आने के बाद आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पे आपको मिलेगा अभी और स्क्रॉल करके नीचे आओ, ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दी वर्कशीट। इसके लिए यहाँ पे आपको दियो सो ए 0 सेल दैट हैव 0 वैल्यू, इसको आप यहाँ से टिक को हटा के और यहाँ से ओके कर दो। अब इससे क्या होगा, वो 0 यहाँ पे शो नहीं करेगा इस शीट में, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक प्रॉपर, और यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं कंट्रोल F2 करके कि अब देखिए आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली कैसे काम कर रहा है। देख रहे हैं जो भी हमने वहाँ पे रखा है, माउस क्वांटिटी रेट अमाउंट, तो प्रॉपरली आ रहा है। आप यहाँ पे इसको स्किप कर दीजिए और यहाँ पे देखिए अमाउंट थोड़ा सा ही सही वहाँ पे नहीं दिखा रहा है, आप हल्का से इसको एडजस्ट कर लीजिए, इस सेल को थोड़ा सा छोटा करते हैं। और अब यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल F2 करके, प्रॉपर दिखना चाहिए हमारा डेटा जो भी है। स्किप करो तो यहाँ पे देखिए ये पूरा प्रॉपरली दिख रहा है। जब भी आप इसको यहाँ से करेंगे आपका डेटा पूरा प्रॉपर तरीके से दिख रहा है काउंटिंग मोड में, ये देखिए। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे अभी हमने कोई नेम नहीं फिल किया है, कुछ भी नहीं फिल किया है। मान लीजिए हमें कोई भी, हमने 1 to 1 की एक बिल नंबर तैयार करना है, डेट हमने रख दिया, डेट को कंट्रोल सेमी कॉलम करेंगे, जो करंट डेट होगी वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी।
और ये देखिए इनवॉइस नंबर इधर आ गया, इसको आप क्या करिए लेफ़्ट में ले लीजिए, इस तरह इसी की साइड में आना चाहिए, लेफ़्ट में हो गया। और यही चीज़ मान लीजिए इसको भी हमें बोल्ड करना, बोल्ड कर देते हैं और इसको भी हम लेफ़्ट में ले लेते हैं, इस तरह ये डेट के लिए हो गया। नेम मान लीजिए किसी का दे देते हैं, जो भी यहाँ का कस्टमर मान लीजिए, पोजिशन नेम दे देते हैं गुलशन नेम, ठीक। और यहाँ पे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप दे सकते हो, जो भी आपका 89 56 90 2010 ये उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया। और यहाँ पे एड्रेस जो है ये भी देखिए, यहाँ पे इसको सबको ले लो यहाँ से एलाइन में लेफ्ट, और यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं मल्लापुर सागन जौनपुर, ये हो गया इसका पूरा एड्रेस। तो इस तरह ये देखिए प्रॉपर हो गया, तैयार हो गया। अब मान लीजिए हमें नेक्स्ट जब जनरेट करना होता है उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे इतना तो हुआ है लेकिन अभी ये सारी चीज़ें फिर से हमें डिलीट करना है। इसके लिए हम एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे आप उस शॉर्टकट को प्रेस करते ही ये सब गायब हो जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहीं पे आते हैं, डिटेल्स हमारी यहीं से स्टार्टअप है और हम यहीं पे रखते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं व्यू में, व्यू में आपको यहाँ पे मिलेगा माइक्रोस, इस माइक्रोस को अभी हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। रिकॉर्ड पे क्लिक किए और यहाँ पे इसका नाम रख दिए डिलीट डेटा, या डिलीट ही रख देते हैं ये अपने हिसाब से रख लें। और यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, ऐसे शॉर्टकट बनाओ जो इसमें यूज ना होती हो, जैसे यहाँ पे शॉर्टकट ले लेते हैं कंट्रोल दिया है शिफ्ट डी कर दें, कंट्रोल शिफ्ट डी, ये शॉर्टकट यूज तो नहीं होती ना, ऐसे रखते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या है लगना, शिफ्ट एल रख लेते हैं, ठीक है कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे क्या होगा ये हमारी शॉर्टकट है और दिस वर्कबुक में काम करनी चाहिए, हमने यहाँ पे ओके कर लिया, ठीक। अब इसका काम क्या, अब यहाँ से हम इसको एक एक करके डेटा को डिलीट करते हैं, जो हमें रिफ्रेश कराना हमेशा, ये भी डेटा नहीं चाहिए, ये भी नहीं डेटा चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और यहाँ से इस तरह सेलेक्ट हो गया। और यहाँ से हम आते हैं होम में, इसको क्या किया क्लियर कंटेंट्स, और इसके लिए भी सेम आप पूरा यहाँ से रखिए, दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं क्लियर कंटेंट्स, ये हट गया। और यहाँ पे आइए, ये पूरा डेटा फ्रेश हो चुका है। और यहाँ पे अगर इसको भी आप खाली रखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करिए इस तरह, और क्लियर कंटेंट इसको भी कर सकते हो। अब देखिए पूरा खाली हो चुका है, अब यहाँ पे आइए या जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो, फिर से आपका प्रॉपर कहाँ पे आना चाहिए बिल नंबर में आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमने इस तरह कर्सर रख दिया और यहाँ से आके उसको क्या करते हैं स्टॉप कर देते हैं, एक रिकॉर्डिंग हमने स्टॉप कर दिया, क्लियर करने का ये हमने एक रिकॉर्ड बना लिया। अब जब भी वो शॉर्ट की प्रेस करोगे वो पूरा डेटा, जैसे यहाँ पे बिल नंबर हमने दे दिया 123, टाइप किए कंट्रोल सेमी कॉलन से डेट को हमने फीड कर दिया, नेम दे दिए प्रतीक, कॉन्टैक्ट जो भी नंबर है, ठीक है ये हमने नंबर टाइप कर दिया, एड्रेस मान लीजिए रख लिए जौनपुर। और यहाँ पे रख लिए मॉनिटर एक, यहाँ पे रेट हमने रख लिया इसका 2000 रुपये, और यहाँ पे क्वांटिटी हमने दो रखी है,
राउंड देखो ऑटोमेटिक आ रहा है। अब देखो यहाँ पे नीचे भी इस पर हमने डिस्काउंट दिया है 2% का, एंटर किया डिस्काउंट का अमाउंट आ गया। और यहाँ पे जीएसटी हमारी लगी है 9.9% CGST SGST। और ये टोटल अमाउंट देखो 4640 रुपये हो चुका है। और आप कंट्रोल F2 करके देखो पूरी प्रॉपर बिल 1 मिनट में ही तैयार हो गई। और आप प्रिंट करना चाहते हो डायरेक्टली ये प्रिंट पे सेलेक्ट करो, जो भी प्रिंटर है आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसको प्रिंट करके आप दे सकते हो जिसको भी देना चाहते हो। अब इस तरह वो जो हम क्लियर वाला बताए थे, अब देखिए ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी है। हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट L, ये देखिए पूरा प्रॉपर वे में आपका पूरा खाली हो गया। यहाँ पे देख सकते हो आपकी पूरी ये जो भी इनवाइस थी पूरी खाली हो चुकी है। जैसे आप उस शॉर्टकट को प्रेस करोगे जो वहाँ से आपने क्रिएट किया है वो डायरेक्टली बन जाएगा। तो गाइस अगर ऐसी आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपको अगर हमारी वीडियो से कोई नॉलेज मिलता है, प्लीज़ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू। जय हिंद।